जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट भगवद गीता के एक नए एपिसोड में। अभी तक के जितने भी एपिसोड थे उसमें हमने 21 श्लोकों तक महाभारत के उस युद्ध भूमि का जो वातावरण था, जो माहौल था, जो किरदार हैं, जिन किरदारों ने किस प्रकार के शंख का वादन किया और धृतराष्ट्र और संजय के बीच में जो बातचीत हो रही है, संजय कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का धृतराष्ट्र को विवरण दे रहे हैं। और लास्ट जो 21वां श्लोक था उसमें हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण को यह कहते हैं कि मुझे युद्ध भूमि के बीच में लेके जाइए और दोनों सेनाओं के बीच में जब खड़े करोगे तो मैं पूरा युद्ध का निरीक्षण करना चाहता हूँ। और उसी के अनुसार आगे की जो रूपरेखा है युद्ध को लड़ने की, वो बनाना चाहता हूँ। मित्रों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि भगवद गीता महाभारत का ये युद्ध हमारे दैनिक दिनचर्या में, हमारे मस्तिष्क के अंदर विचारों के बीच में चलता रहता है। हमारा मस्तिष्क एक कुरुक्षेत्र की भूमि है, उसके अंदर नकारात्मक और सकारात्मक विचार दोनों हैं, यानी कि कौरव और पांडव दोनों हैं। और पांडवों द्वारा कौरवों को हराना, यानी कि जो अच्छाई के द्वारा बुराई को हराना, सकारात्मक विचारों के द्वारा नकारात्मक विचारों को हराने के लिए हमें एक बड़े ही खूबसूरत ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वही ज्ञान है भगवत गीता। तो 22वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अर्जुन जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में जाने को कहता है तो अर्जुन अपना इस बात के लिए कहता है कि यावदेता निरीश्चयम् योद्धुका मानव स्थितान क्रेमेया सह योद्धव्यमस्यनम् रणसम धूमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को बलि प्रकार से देख ना लूँ कि युद्ध का रूपी इस व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है और किन के साथ युद्ध करने के योग्य है, तब तक ये रथ जो है उसे वहीं तक खड़ा रखिए। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे इस युद्ध रूपी व्यापार को समझना है, तो जब तक मैं समझ ना लूँ तब तक हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में वहीं पर रखिए। उसके बाद अर्जुन कहते हैं योत्स्यमानव नवैच्छयम् य एयत्रे समागता दात्रराष्ट्रस्य द्रुपदेयद् पिर्यचिकी श्रवः। द्रुपवृद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। जो दुर्बुद्धि है, यानी कि दुर्योधन की बुद्धि मारी गई है, एक दुर्बल बुद्धि का दुर्योधन के साथ कौन कौन राजा खड़े हैं, मैं उनको देखना चाहूँगा। फिर संजय कहते हैं एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयेरु भयो मृध्य स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्ण द्रोण प्रमुखत सर्वेषा च महिचिताम उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनीति। संजय बोले हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को पूरे लाइव टेलीकास्ट का विवरण कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री का एक विवरण पूरा दे रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं कि अर्जुन ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, युद्ध का माहौल कैसा है। तो यहाँ पे कृष्ण ने युद्ध भूमि में रथ को, अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर दिया है और अब कौरवों को देखना प्रारंभ किया अर्जुन ने। और अर्जुन ने क्या क्या देखा, तत्र पश्यति स्थितान पार्थ
पितृनथ पिता महान, आचार्य न मुतुला न भ्रात न पुत्र न पोत्र न सखी स्थाता शुश्रान सहदेव सेनयुर्भयोरूपी। इसके बाद प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों और दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहृदों को भी देखा। यहाँ पे अर्जुन ने जब कौरवों की सेना में देखा, झांक के देखा, तो उसे पता चला कि सामने चाचा, ताऊ, परदादा, गुरु, मामा, भाई सब मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये बड़ी ही गहरी एक वैचारिक बात है हमारे मस्तिष्क में। जो भी नकारात्मक विचार है, जब भी हम अगर उन्हें नेगेटिव थॉट्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो कोई बाहर के नहीं हैं। उनके पीछे आने का कारण हमारा खुद का कोई जुड़ाव होगा, हमारा कोई लगाव होगा, हमारा कोई अटैचमेंट रहा होगा, हमारी कोई इच्छा रही होगी, खुद की इच्छा रही होगी, और कोई हमारी पास्ट में डिज़ायर या फिर कोई कुछ भी ऐसा रहा होगा जो हमसे जुड़ा हुआ है, और उन्हीं का कारण है हमारे मानसिक विचारों का नकारात्मक होना, हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स का बनना। तो इस 26वें श्लोक में जब अर्जुन युद्ध भूमि के बीच में जाके देखता है, यानी कि हम हमारे मस्तिष्क के बीच में जाके देखते हैं, तो क्या पाते हैं कि जो भी नकारात्मक, जो दूसरी तरफ है, कौरवों की सेना है, यानी कि नेगेटिव थॉट्स का जो बंडल है थॉट प्रोसेस में, उन सभी थॉट प्रोसेस में जो बंडल्स का जो थॉट्स है, वो थॉट्स कहीं ना कहीं हमसे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है उन थॉट्स के आने का। कोई ना कोई बात ऐसी है जो हमें से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि भगवद गीता और हमारा मन, हमारे मन के विचार के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक विचार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और नकारात्मक विचारों को डील करने का जो प्रोसेस है वही है भगवद गीता। इस प्रकार 26वां श्लोक पूरा होता है, और 27वें श्लोक में अगला श्लोक 27वां, तान समिच्छ्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् विस्थातान् कृपया प्रयविष्टो विशीद त्रिदम ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। यहाँ पे अर्जुन ने जब देखा कि वो सारे उसके रिश्तेदार हैं, उसके अपने प्रियजन हैं, तो उनको देखने के बाद कुंती पुत्र अर्जुन बड़ा ही करुणा से युक्त हो जाता है। उसका मन भाव विभोर हो जाता है कि ये क्या है। मित्रों, आप भी अपने नकारात्मक विचारों को जब डील करना सीखेंगे, तो आप भी पाएंगे कि वो आपके अपने ही हैं, उनमें कोई ना कोई अपनत्व का भाव जुड़ा हुआ है। तो ये प्रक्रिया आपको भावुक भी कर सकती है, जब भी आप अपने अंदर पूरी तरह से परमात्मा का बोध लाना चाहते हैं। उस प्रक्रिया में भगवद गीता कि जैसे जैसे आगे तक हम श्लोक लेके जाएंगे, तब तक हम देखेंगे कि किस प्रकार हम एक एक नकारात्मकता के विचार को भारत महाभारत के इस युद्ध भूमि से जोड़ते हुए और अंत में श्री कृष्ण के तत्व तक पहुँचते हैं, यानी कि हम परमात्मा के तत्व तक, परम आत्मा के तत्व तक पहुँचते हैं। ये पूरा पॉडकास्ट के एपिसोड्स आपको पूरी तरह से जो भगवद गीता का मानसिक विचार है, मन के विचार है, नकारात्मक है, सकारात्मक है, उनके बीच के जो महाभारत चलती रहती है, और उस महाभारत का जो अंतिम परिणाम है वो है कृष्ण तत्व को प्राप्त करना। हम इन एपिसोडों के माध्यम से हमारा जो मुख्य लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है। भगवद गीता बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक एक गीत है जो स्वयं भगवान कृष्ण ने गाया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आगे और भी सुनते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्णा।